महिलाओं के लिए पहली बार सेक्स करने के यह 6 टिप्स मैं आज आपको बताने वाला हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्त तज्ञ हूँ। पहली रात जो है फर्स्ट नाइट या हनुमान की पहली रात बहुत ही एक्साइटमेंट की होती है, बहुत ही टेंशन वाली, प्रेशर वाली, एंजाइटी वाली हो सकती है। और यदि पहला कुछ भी कहीं भी अनुभव नहीं होगा तो फिर तो ज़्यादा ही टेंशन बने रहता है। फर्स्ट नाइट का इंतज़ार करते रहते हैं। फर्स्ट नाइट में बेडरूम सजाना, कहीं होटल बुक करना, घर में ऐसी व्यवस्था नहीं होंगी तो होटल में फिर लोगों ने वहाँ बुकिंग करके फिर वहाँ सज धज के जाना, ऐसा काफ़ी सारा प्लानिंग हो जाता है। फिर लड़कों ने उसके जो दोस्त रहते हैं, लड़कों के दोस्त या लड़कियों की मतलब फ्रेंड जो रहती है, उन्होंने उनको चिढ़ाना या फिर उनके सामने कुछ ऐसा एक टास्क रखना कि वो पूरा करेंगे तो ही हम आपको अंदर एंट्री देंगे, नहीं तो अंदर एंट्री देंगे नहीं। कोई बख्शीश ही दो, पैसे दो, मतलब ऐसा कुछ ना कुछ हंसी मजाक चलती रहती है। होता क्या है कि फर्स्ट नाइट में जाने के पहले यदि 2-3 दिन शादी के धूमधाम के हो गए, शादी के धूमधाम के है मतलब प्री वेडिंग फंक्शंस चालू रहते हैं, रिसेप्शन है, थकान बहुत आती है, नींद बराबर होती नहीं है, तो फिर ऐसे इसमें फर्स्ट नाइट में जाना और सेक्स करना, एक साथ सोना और सेक्स करना, जब भी कभी पहला अनुभव ही नहीं है तो फिर वो बहुत ही स्ट्रेसफुल हो सकता है। तो उसके लिए मैं कुछ बताने वाला हूँ स्पेशली लेडीज़ को। नंबर 1, वर्जिनिटी के बारे में आपने पहले से बात करनी होगी, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्या है कि लड़कों की अपेक्षा रहती है, जिनको मालूम नहीं है कि भाई वर्जिनिटी, वर्जिन लड़की होना उनके लिए बहुत एक अच्छा माना जाता है कि वर्जिन लड़की होना। वर्जिन मतलब क्या है? वर्जिन मतलब जो योनि द्वार पटल है, जो हाइमेन है, जो पर्दा है, वो टूटा नहीं होना चाहिए। और फर्स्ट नाइट में पर्दा टूटना जरूरी है ऐसा लोग बोलते हैं और ऐसा मानना है लोगों का, गलत है। पहले नाइट में पर्दा टूटना और टूटे तो वहाँ से ब्लीडिंग होना, चादर लाल होना, ये बहुत ज़रूरी है। और यदि होता नहीं है तो लड़की कुंवारी नहीं थी, वो वर्जिन नहीं थी, उसका पहले सेक्स हो चुका है ऐसा समझा जाता है और वहाँ से गलतफहमियाँ होती है। ऐसा ये पूरा गलत है। पहले हाइमेन टूट सकता है शादी के पहले। यदि खिलाड़ी है लड़की, खेलने वाली है, साइकिल चलाने वाली है या मास्टरबेशन करती है, तो उसमें हाइमेन जो है योनि द्वार पटल पर्दा वो टूट सकता है पहले से ही। और फिर सेक्स के समय, पहले फर्स्ट नाइट के समय कोई खून आएगा नहीं। तो यदि आपका पहले से ही पर्दा नहीं है तो पहले से आपने बताना चाहिए हस्बैंड को, और वो आप साफ बताती है तो गलतफहमी नहीं होगी। ये वीडियो भी आपने अपने हस्बैंड को शेयर करना है लेडीज़ ने कि भाई ये पर्दा फटना ज़रूरी नहीं है, फर्स्ट नाइट में पहले से फटा हुआ रहता है। पर्दा फटा हुआ इसका मतलब पहले सेक्स किया हुआ है, ऐसा उसका मीनिंग नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, आपका पहराव जो है, ग्रूमिंग, बहुत ही ज़्यादा मतलब फेशियल करना या पहराव अच्छा करना, बहुत ही आकर्षक दिखना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए उसके लिए भी बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट, रोमांटिक दिखना, रोमांटिक ड्रेस पहनना बहुत ज़रूरी है। नंबर 2। नंबर 3, आँख से आँख मिलाओ, कांटेक्ट करो आँख से आँख, उससे कॉन्फिडेंस आपका अच्छा है वो दिखता है। नहीं तो एकदम नीचे देखना, मुंडी ऊपर करना ही नहीं है, बातचीत भी नहीं करना, गुमसुम बैठना, तो टेंशन ज़्यादा निर्माण हो जाता है। समझते नहीं है हस्बैंड को कि भाई आपको चाहिए क्या, आपको कुछ समझता है नहीं है, आपने आपका एक्सपीरियंस है नहीं है, क्या है आपको, कहाँ है आप, कौन से प्लेस में। समझने के लिए आँख से आँख मिलाना, बात करना बहुत ज़रूरी होती है। नंबर 4, शादी के पहले, ड्यूरिंग शादी के जो 2-3 दिन प्री वेडिंग फंक्शंस, तो हस्बैंड के साथ में फ्लर्ट करना जरूरी है। फ्लर्ट करना इसका मतलब मेरा जो मैं बता रहा हूँ कि वे मैसेजेस कर रहे हैं, व्हाट्सएप कर रहे हैं, चिढ़ा रहे हैं एक दूसरे को, सेक्स की बातें कर रहे हैं, कोई सेक्स की वीडियोस शेयर कर रहे हैं, ऐसे हंसी मजाक सेक्स वाले, तो उसमें क्या है कि उसमें ज़रा एक रिलेटेडनेस तैयार हो जाता है और वो फिर आपको फर्स्ट नाइट के लिए अच्छा एक रिलेटेडनेस रहा तो काम में आता है। नंबर 5, धीरे धीरे करें। धीरे धीरे का मतलब होता है कि पहले ही नाइट को ऐसा मत समझो कि नहीं, पहले नाइट को सेक्स होना ज़रूरी है, पेनिट्रेशन ज़रूरी है, ऐसा मत समझो।
हो सकता है कि महिला बहुत डरी हुई है, तो उसने बोलना है कि मैं डरी हुई हूँ, सिक्रेशन नहीं हो रहा है, चिपचिपा पानी उसका भी नहीं निकल रहा है, पुरुष का भी नहीं निकल रहा है, हस्बैंड का भी नहीं निकल रहा है, तो सेक्स होगा नहीं, एंट्री होंगी नहीं, यदि ड्राई है तो। क्योंकि यदि टेंशन है, एंग्जाइटी है, तो एरिया ड्राई हो सकता है, लिंग का योनि में प्रवेश होगा नहीं, या फिर कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं, तो उनको मालूम ही रहता नहीं कि सेक्स क्या होता है। ऐसी बहुत सारी लड़की है कि उन्होंने कभी सेक्स किया ही नहीं है शादी के पहले, बहुत सारी ऐसी मालूम ही नहीं है। और जब वो पहली नाइट में जाती है तो उसको जब मालूम ही नहीं सेक्स किया ही नहीं है, गलत फहमियाँ ज़्यादा है, तो फिर फर्स्ट नाइट सेक्स होगा ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, पेनिट्रेशन होगा ऐसा कोई ज़रूरी नहीं। इसलिए धीरे धीरे करो, फर्स्ट नाइट में सिर्फ आप बोल सकते हैं कि नहीं मुझे डर लगता है, समझता नहीं, मुझे मालूम नहीं है, तो सिर्फ आप फोर प्ले कर सकते हैं, खेल सकते हैं, बातें कर सकते हैं, गप्पे मार सकते हैं, चिढ़ा सकते हैं एक दूसरे को, और उतना करके सेक्स के इसमें न जाते हुए एक दो दिन के बाद में सेक्स कर सकते हैं। क्योंकि यदि बहुत टेंशन है, नींद आ रही है, डर है, तो इसमें इरेक्शन नहीं होगा, स्त्री का भी जो है सिक्रीशन आता है वो नहीं आएगा, और सेक्स होना कठिन हो जाएगा। तो धीरे धीरे करना जरूरी है। तो लेडीज़ ने बताना जरूरी है हस्बैंड को कि आपको कहाँ कहाँ एक्साइटमेंट आती है, कौन से बॉडी पार्ट को हाथ लगाया तो एक्साइटमेंट आए, कौन से बॉडी पार्ट को छुआ, धीरे से घुमाया, मसाज किया तो एक्साइटमेंट आती है, कहाँ ज़्यादा आप एक्साइटेड होते हो, क्या ब्रेस्ट में होते हो, क्या कंधे पे होते हो, क्या वजाना में होते हो, क्लाइट्रिस में ज़्यादा होता है, पीठ पे होता है, थाइस पे होता है, कहाँ ज़्यादा होता है, तो वो आपने बताना जरूरी है, ताकि हस्बैंड का काम ये होता है कि उसने स्त्री को एक्साइट करना, और स्त्री ने हस्बैंड को पूछना चाहिए कि वो कहाँ ज़्यादा एक्साइट होता है, और वो यदि वो पूछती है तो हस्बैंड भी बोल देगा कि मुझे यहाँ एक्साइटमेंट ज़्यादा आती है। जितनी ज़्यादा एक्साइटमेंट उतना सेक्स सक्सेसफुल होना आसान, तो वो भी एक कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है कि एक्साइटमेंट कहाँ होती है। तो ये सब आप करते हैं, ये 6 टिप्स, तो डेफिनेटली आपकी फर्स्ट नाइट, वेडिंग नाइट जो आपकी रहती है या फर्स्ट नाइट होती है, सुहाग रात होती है, तो डेफिनेटली वो सक्सेसफुल हो जाएंगे, आपको मज़ा आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच।